नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो रैगिंग के विषय में मुझे आपसे बात करनी है। आप जानते ही हैं इस समय जो पीरियड चल रहा है वो नए बच्चों का है। जो बच्चे अब एडमिशन ले रहे हैं डिफरेंट कॉलेज में, भले चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में हों, मेडिकल में हों, या कुछ जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, तो उनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा इस समय प्रसन्नचित्त रहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक नई नई कुछ उमंगें हैं, तरंगे हैं जो बच्चों में इस समय जन्म लेती हैं कि हम किस तरीके से कॉलेज जाएंगे या नए स्कूल में जाएंगे और किस तरीके से हमें पढ़ना है, वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी सोचने लगते हैं। लेकिन उनके साथ अचानक जाने के बाद कुछ बच्चों के साथ रैगिंग की जो ये एक दुष्प्रथा है लोगों में कि हम बच्चों को रैग करेंगे, तो उसकी वजह से वो प्रताड़ित महसूस करते हैं। हालांकि जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बिल्कुल रैगिंग को बैन कर दिया है। और अगर आईपीसी की कुछ धाराएं मैं आपको बताऊं जिनके तहत जो बच्चे रैगिंग करते हैं उनको सजा हो सकती है, वो कुछ धाराएं हैं 294, 323, 324, 325, 326, 339, 340, 341, 342, 506। ये कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसमें रैगिंग को एक संगीन अपराध मानते हुए इन धाराओं के अंतर्गत बच्चों पर कुछ एक्शन हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात अभी यह है कि रैगिंग का मतलब क्या है, क्योंकि कई बार रैगिंग करने वाला भी इस चीज को नहीं समझ पाता कि वास्तव में रैगिंग का मीनिंग क्या है। तो जो थोड़ा सा मैंने कुछ देखा है, रैगिंग मतलब टीजिंग, बच्चे के साथ रफ हैंडलिंग, फिजिकल या साइकोलॉजिकली उसको हार्म करना, ये रैगिंग का मतलब है। दूसरी चीज ये है, अगर कोई बच्चा कुछ नहीं बोलना चाह रहा, कंफर्टेबल नहीं है, उससे अननेसेसरीली आप कुछ ऐसे एक्ट कराएं जिसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, ये भी रैगिंग है। अगर बच्चे में कोई डर बैठाया जाए, ये रैगिंग है। दूसरी चीज ये है, जूनियर को किसी चीज को लेकर के पनिशमेंट दें सीनियर, ये रैगिंग है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आजकल कई बार देखा जाता है कि कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर अगर बच्चों को प्रताड़ित करता है कोई सीनियर, तो ये सब रैगिंग की एक्टिविटीज है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं पिछले साल का, मैं एग्जांपल लेता हूं 2017 का, 2017 में 901 केसेस दर्ज हुए हैं जो यूजीसी के पास में, जो आपका कंप्लेन थी रैगिंग के खिलाफ। तो आप ये देखिए कि ये 2016 के कंपैरिजन में 74% का इंक्रीमेंट है, 74% और ज्यादा केसेस ये रजिस्टर्ड हुए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कोई ऐसी कमियां हैं कि जिसकी वजह से ये केस और बढ़ते जा रहे हैं। कानून का भी डर बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन चीजों को देख करके लगता है कि या तो कम हुआ या वो केयर नहीं करते। लेकिन यहाँ अगर हम देखें कॉलेज प्रशासन की तरफ से या स्कूल की तरफ से भी कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं, जैसे कि बच्चे का सस्पेंशन कर दिया जाए, उसको निकाला जा सकता है हॉस्टल से, उसको रस्टिकेट किया जा सकता है कॉलेज से, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको इस तरीके से भी कॉलेज से एक्सपेल किया जा सकता है कि फिर उसे कहीं फर्दर एडमिशन भी ना मिले। तो सोचिए कितना गंभीर अपराध है। लेकिन अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि कानून क्या है, रैगिंग का मतलब क्या है, किस तरीके की सजाएं दी जा सकती है। लेकिन मतलब हमारा यह नहीं है, हम सभी गार्जियन हैं तो हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, 3-4 पॉइंट अगर हम ध्यान रखें तो शायद इस रैगिंग जैसी बीमारी से हम बिल्कुल निजात पा सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट यह है कि रोल ऑफ पेरेंट्स, जब पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, स्पेशली इस तरीके की घटनाएं हॉस्टल में ज्यादा होती है, तो पेरेंट्स जो है कॉलेज अथॉरिटी या स्कूल अथॉरिटी के पास जाकर के अपने बच्चे की साइकोलॉजी जरूर डिस्कस करें कि उनका बच्चा किस तरीके का है, उसको गुस्सा तो ज्यादा नहीं आता या उसको डर तो नहीं लगता कुछ चीजों से, तो उसकी उस दिशा में काउंसलिंग की जा सकती है। और पेरेंट्स जरूर अपने बच्चे की जानकारी डेली लें जिस समय वो हॉस्टल में छोड़ने आए हैं, कम से कम 2-3 महीने तक, जब तक कि बच्चा बिल्कुल सेट ना हो जाए, क्योंकि डेली जब वो इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो थोड़ा सा टच में रहेंगे और कॉलेज की अथॉरिटीज या जो स्कूल है उन अथॉरिटीज के भी वो टच में रहे, क्योंकि देखिए बच्चे का जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना हो या रैगिंग जैसी कोई चीज हो जिसकी वजह से हमें फिर बाद में पछताना पड़े। दूसरा, अगर मैं रोल की बात करता हूँ कॉलेज अथॉरिटीज का, कि एंटी रैगिंग कमेटी जरूर बना करके रखें।
दूसरी चीज ये है कि मैंने पहले ही बोला कि इस तरीके के जो केसेस हैं वो हॉस्टल में ज्यादा देखने में आए। तो हॉस्टल वार्डन जरूर सीनियर्स को लेकर के जो हॉस्टल कमेटी है उनके साथ बैठे और उनको बताए, बेटा जो आपके जूनियर्स हैं इनको प्यार और आप थोड़ा सा केयर जरूर करें, क्योंकि ये भी जो बच्चे हैं दूर दराज के इलाकों से आए हैं, इनको हम कभी भी परेशान ना करें, क्योंकि जब नया बच्चा कहीं हॉस्टल में या कॉलेज में आता है तो वो वैसे ही डरा सहमा होता है, तो उसको हम बिल्कुल टेक केयर करके रखें। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारा रोल ऑफ जूनियर्स, जो जूनियर बच्चा जाता है उसकी भी थोड़ा सा सीनियर के प्रति एक सम्मान की भावना रहे, लगाव की भावना रहे। दूसरी चीज यह है वो कहीं भी ऐसा महसूस ना करे कि अगर उससे कोई सीनियर या कोई बच्चा पूछ ले कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, वो इसी चीज को रैगिंग ना समझ बैठे। हाँ, वो स्वतंत्र है, अगर उसको कुछ भी गलत मिसहैंडल किया जा सक जाता है तो वो अपने कॉलेज के अथॉरिटीज, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, चीफ वार्डन और चीफ प्रोक्टर, ऐसी कुछ अथॉरिटीज हैं, इनके पास जाकर के कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर उसकी कंप्लेन नहीं सुनी जा रही है तो एक हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 522, वो इस पर रिंग कर सकता है। नंबर दोबारा फिर ध्यान दीजिएगा, 1800 180 522, इस नंबर पर रिंग कर सकता है और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, तो कानूनन इस चीज में जरूर एक्शन होगा। मैं बस केवल इतना चाहता हूँ, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखें, माँ बाप, कॉलेज की जो अथॉरिटीज हैं और जो हमारे सीनियर्स बच्चे हैं वो उन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि इन चीजों में अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व ना करें, और अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस यहीं विराम देना चाहूंगा, और सभी गार्जियन से मेरी एक ही केवल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे नए हमारे प्रवेश लेने वाले हैं भारत के विभिन्न प्रांतों के, जो इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई भी जो आपके प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन लेने वाले हैं, वो जरूर इसको देखें और इस वीडियो से लाभान्वित हों। बिल्कुल सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।